हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी वो CUK की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर और उसके साथ और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 77 है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोग को सैलरी 79,053 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप लोग देख पा रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक की तरफ से आ रही है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रहा गया है 23rd January 2023 और एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए लास्ट डेट रहा गया है 31st January 2023। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें आप लोगों को सैलरी लेवल 7 के हिसाब से यानी कि 44,900 से लेके 1,42,400 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सैलरी 79,053 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें आप लोगों को सैलरी लेवल 6 के हिसाब से यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सीडीसी 61,818 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग को सैलरी लेवल 5 के हिसाब से यानी कि 29,200 से लेके 92,300 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीडीसी 53,148 पर मंथ मिल जाएगी। वैकेंसीज की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 77 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो कि डेपुटेशन बेसिस पे है, और बाकी जितने भी पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में से MSc या तो MCA किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स तक रहा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है अगेन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 2 साल के MEMTech किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट उस केस में मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स तक रहा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग BVTech किए हो तो उस केस में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स तक रहा गया है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech
या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग बीवीटेक किए हो तो उस केस में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स का रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स में से बीएससी किए हो तो इसके लिए नीचे वाला उसमें अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स का रखा गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से मास्टर्स किए हो तो भी इसके लिए लीजिए वेलो उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग एमसीए किए हो तो भी इसके लिए लीजिए वेलो उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रखा गया है। और भी बहुत सारे वैकेंसीज यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग उसको प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करने के बाद उसके साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। और उसके साथ अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो पीएससी वगैरह में काम कर रहे हो तो उस केस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी। और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम। और ये मेंशन करने के बाद आप लोग उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है इसमें मेंशन दे, आप लोग को उसी एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग बाय हैंड सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसमें जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोगों को फोटोग्राफ, सिग्नेचर और उसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका स्कैन कॉपीज आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम अपलोड करना होगा। हर एक डॉक्यूमेंट्स का साइज 100 KB के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो और इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। और एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। रिटर्न टेस्ट पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे टोटल रिटर्न टेस्ट को 2 पेपर में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पेपर पे जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें पेपर 1 के लिए टाइम ड्यूरेशन रखा गया है 2 आवर्स। पेपर 1 का सिलेबस यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। और इसमें आप लोग का क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे रहेगी, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। और उसके बाद होगा आप लोग का पेपर 2। पेपर 2 में आप लोग जो भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। पेपर 2 के लिए टाइम ड्यूरेशन रखा गया है 3 आवर्स। इसमें भी आप लोग का क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे रहेगी। अगर आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे पेपर 1 और पेपर 2 में जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% मार्क्स लेना होगा आप लोगों को रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। सिमिलरली ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 40% और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 35% मार्क्स लेना होगा आप लोगों को रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए।
अगर आप लोग पेपर वन और पेपर टू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। हर एक पोस्ट के लिए पेपर टू का जो सिलेबस है वो यहीं पे मेंशन दे, तो आप लोग आपको ये सबसे चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स देखिए इसका एटेस्ट नोटिफिकेशन नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था, इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इस नोटिफिकेशन टाइटल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसी लिंक पे आना होगा। आने के बाद फर्स्ट आप लोग को साइनअप ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको कोई भी एक पासवर्ड यहीं पे चूज करना होगा, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहीं पे फिल करना है, और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद साइनअप ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने लॉगिन का पोर्टल ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको आपकी मेल आईडी यहीं पे फिल करना है, और उसके बाद पासवर्ड यहीं पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, और आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ ना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना था। आने वाले वीडियो में आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।